हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बेहतर होंगे आपकी पढ़ाई बेहतर चले बच्चों क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नाइन चल रहा है और चैप्टर नाइन में आज का टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी इसकी आवर्धन क्षमता के लिए थ्योरम निकालना है पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखेगा और एग्जाम में पूछा ही जाता है जैसे इसके पहले मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी समझाया था सरल सूक्ष्मदर्शी समझाया था उसे ज़रूर तैयार कर लेना क्योंकि वहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चों दूरदर्शी किसे कहा जाता है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर के वस्तुओं को देखा जाता है अब दूर की वस्तु का मतलब जैसे चंद्रमा को देखना ठीक है किसी ग्रह का अध्ययन करना आकाश में स्थित कुछ ऐसे पिंड जैसे उल्का पिंड हो गया क्षुद्र ग्रह हो गया है ना अन्य ग्रहों का अध्ययन करना तो हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को हम अध्ययन कर पाते हैं उसे बोलते हैं बच्चों हम दूरदर्शी क्या बोलते हैं दूरदर्शी जिसे दूसरे नाम दूरबीन के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं ये जो दूरदर्शी होता है दो प्रकार से होता है एक तो अपनी दूरदर्शी और दूसरा बच्चों परावर्ती दूरदर्शी ध्यान रखिएगा दूरदर्शी को दो भागों में थोड़ा सा इसका हम है ना बेसिक चीज समझा देना नहीं तो कहोगे सर डायरेक्ट आप खगोली दूरदर्शी और बाकी कुछ कराए ही नहीं बच्चों आप लोगों को इसीलिए वीडियो लेक्चर के माध्यम से सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती है और हमेशा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये बताइए आपके वीडियो से या नोट्स से हम कितना परसेंट ला सकते हैं मैं हमेशा कहता हूं कि नोट्स और प्लस वीडियो दोनों चीज़ कम्बिनेशन में जब आप तैयारी करते हैं तो आपके नाइन्टी प्लस ही परसेंट आएंगे भाई कुछ आपका भी मेहनत रहता है ओके तो चलिए बात करते हैं दूरदर्शी के प्रकार दो प्रकार होते हैं बच्चों एक अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा परावर्ती दूरदर्शी देखिए जब हम दूरदर्शी यहां पर अभी आपको डायग्राम दिख रहा खगोली दूरदर्शी इसमें दो लेंस है एक आंख के पास में और एक जिधर से हम वस्तु को देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक वस्तु की ओर है और एक आंख के पास में जो आंख के पास होता है बच्चों इसे बोलते हैं नेत्रिका लेंस ठीक है क्या बोलते हैं नेत्रिका लेंस और जो हमारा ये वस्तु के साइड पे होता है इसे बोलते हैं अभिद्रश्यक लेंस तो इन्हीं दोनों के खेल से इनको दो भागों में बांटा गया है यदि अपवर्ती के बारे में बात करें बच्चों तो यहां पर जो अभिद्रश्यक होता है यहां पर उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है अभिद्रश्यक और जब परावर्ती की बात करते हैं तो यहां पर अपतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डिफरेंस केवल इतना ही है अपवर्ती दूरदर्शी जैसा कि आपको दिख रहा है ये अपवर्ती दूरदर्शी है ठीक है ये अपवर्ती दूरदर्शी क्योंकि यहां पे अभिदृशक जो है एक उत्तल लेंस है क्या है बच्चों एक उत्तल लेंस इसलिए हम इसे अपवर्ती दूरदर्शी के नाम से जानते हैं और यहीं पर यदि इसके जगह अपतल दर्पण का प्रयोग कर देते तो फिर वो परावर्ती दूरदर्शी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो जो दूरदर्शी होता दो प्रकार से होता है ठीक है, reflecting अलग है तो अपवर्ती दूरदर्शी में जो आपका अविदर्शक होता है वो लेंस जो वस्तु की ओर होता है ठीक है उसमें उत्तर लेंस होता, बच्चो, ये उत्तर लेंस होता है बच्चों अविदृशक के रूप में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है वहीं पे जब परावर्ती दूरदर्शी आ जाता है तो वहां पर बच्चों ये जो आपका अभिदर्शक होता है वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है फिलहाल चलिए खत्म करिए कहानी पे आते हैं खगोली दूरदर्शी पे खगोली दूरदर्शी खगोल मतलब आकाशीय पिंड समझ गए होंगे तो जिसका उपयोग हम आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह तारे को देखने के लिए करते हैं तो वहां पर बच्चों आपका होता है खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी यानी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसका उपयोग हम खगोल जैसे ग्रह तारे पिंड आदि का अध्ययन करने के लिए आदि को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं उसे खगोली दूरदर्शी कहते हैं अब यहां पर बच्चों इस दूरदर्शी में आपको दो लेंस तो दिखी रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है ये आपका नेत्रिका लेंस है ये अवदर्शक लेंस है नेत्रिका लेंस जो आंख के पास में होता है जहां से हम देखते हैं और एक लेंस जो वस्तु की ओर रहता है जिधर से वस्तु का फोटो लिया जाता है वो आपका होता है अभिदर्शक लेंस अब यहां पर आपको थोड़ा सा ई देखने को मिल जाता है ओ ओ मतलब ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा और आई आईरिस आयरिस लेंस ठीक है याद रखिए सॉरी आई पीस होता है इंग्लिश में कभी कभी मेरा बहुत ही तो ये यहां पे ऑब्जेक्ट के लिए है यानी वस्तु के लिए है इसलिए बच्चों ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ई है आई पीस नेत्रिका मतलब आई पीस ठीक है इसलिए ई लिखते हैं ओके अब यहां पर देखो अब ये तो क्लियर नहीं रहता ना कि वस्तु कहाँ कहाँ पे रखा है भाई हम आकाश के वस्तु को देखने चाहते हैं हम किसी तारे को देखना चाहते हैं किसी ग्रह को देखना चाहते हैं किसी पिंड को देखना चाहते हैं इसका फिक्स स्थान इस तो नहीं रहता तो हम मान के चलते हैं अनंत से तो वस्तु हमारा कहाँ पे है अनंत से तो यहाँ से प्रकाश किरणें आती है यहाँ से जब प्रकाश किरणें आती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है

इन पहले लेंस अर्थात अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब आपका ए वन बी वन है और ये जो ए वन बी वन है वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और यहाँ से प्रकाश किरण चलती है बच्चों और हमेशा दो किरणें जब आपस में मिलती है तो वहीं पर प्रतिबिंब बनता है तो जब इनको हम पीछे बढ़ाते हैं तो इसका फाइनल प्रतिबिंब आपका ए टू बी टू पर बनता है कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रकाश किरण अनंत से चली लेंस से होकर के आई और अनंत में वस्तु थी इसलिए प्रतिबिंब ये पहले लेंस के फोकस पर बना और ये जो पहले लेंस के मुख्य फोकस पर यानी पे जो फोकस मुख फोकस फोकस बिंदु मुख्य मुख्य ही समझना मुख फोकस पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और फाइनली अंतिम प्रतिबिंब जो बच्चों यहाँ पर ए टू बी टू बनता है क्लियर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया यानी जो आपका ए बी वस्तु है वो कहाँ पे अनंत पर है यहां से प्रकाश किरणें आती है अब बर्तन होता है इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए फोकस पर बन रहा है मुख्य फोकस जिसे बोलेंगे है ना और ये फोकस पर जो बना प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और फाइनली अंतिम प्रतिबिंब जो है ए टू बी टू प्राप्त होता है अब देखो बच्चों यहाँ पे जो अल्फा कोण है वो वस्तु द्वारा निर्मित कोण है और ये जो बीटा कोण है वो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण है अभी यहाँ पर आप देख लो जो अल्फा कोण है वस्तु द्वारा निर्मित कोण है और ये जो बीटा है वो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण है तो जब हम इसका आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र होता है कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण ये आपका दर्शन कोण कहलाता है आंख से बना हुआ कोण आपका दर्शन कोण कहलाता है बच्चों कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु द्वारा निर्मित कोण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं इसकी आवर्धन क्षमता वैसे यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि ना भी बोलेंगे तो भी चलेगा यहाँ पर आप समझो कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को हम इसके आवर्धन क्षमता कहते हैं सब काम का चीजें बच्चों एक एक पॉइंट आप तैयार करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा लेकिन चीजें क्लियर हो जाएगी मैं गारंटेड कहता हूं आपसे थोड़ा सा अंत तक आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर मैंने कहा कि अंतिम प्रतिबिंब आपका ए टू बी टू है तो यहां पर कोण कौन, कौन सा बच्चों यहां पर देख सकते हैं बीटा है तो और यहां पे जो कोण है वो अल्फा है तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण और वस्तु द्वारा निर्मित कोण के अनुपात को हम इसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी आवर्धन क्षमता की अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं फिर आपको चित्र बनाना होगा बच्चों इसके बाद इसके बाद चित्र बनाने के बाद आपको लिखना है आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बटा वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र कोण नेत्र पर कोण जो है वो बीटा है और वस्तु द्वारा कोण जो है अल्फा है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बीटा अपान अल्फा बीटा अपान अल्फा यहाँ तक क्लियर बच्चों चलिए यहाँ तक कहानी में ट्विस्ट आया मज़ा आया कि नहीं देखिए भाई एक एक पॉइंट मैं आपसे कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए कोई भी दिक्कत ना हो सके लेकिन फिर भी यदि मेहनत नहीं करोगे आप लास्ट तक देखोगे नहीं तो कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगी मैं गारंटेड कहता हूँ तो चलिए क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया कि जो आपका आवर्धन क्षमता है बच्चों यानी एम का मान है वो बीटा अपान अल्फा कहां से आया क्योंकि इसके बाद ही कहानी में ट्विस्ट आएगा तो एम का मान जो है बच्चों वो बीटा अपान अल्फा क्यों आया प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण और वस्तु द्वारा निर्मित कोण के अनुपात को नेत्र पर जो भी कोण बना है अब यदि अल्फा और बीटा का मान अत्यंत कम हो तो यहां पर बच्चों बीटा के जगह हम टेन बीटा करते हैं और अल्फा के जगह हम टेन अल्फा करते हैं बीटा के जगह हम टेन बीटा करते हैं और अल्फा के जगह हम टेन अल्फा करते हैं ठीक बच्चों क्लियर है अब आप लोगों को एक फार्मूला तो पता है कि टेन का फार्मूला होता है लंब बटा लंब बटा आधार जैसे मैं आपसे कह देता कि टेन बीटा का सूत्र बताओ और टेन अल्फा का तो कोई भी बच्चा बता सकता है वो कैसे ये डायग्राम से देखिए बीटा कहां पे दिख रहा है ये बीटा बीटा के सामने वाली भुजा देखिए लंब है ए वन बी वन ए वन बी वन आधार कितना हो जाएगा ई बी वन और जब अल्फा की बात करते हैं अल्फा यहां पे दिख रहा है इसके लिए तो भाई यहां त्रिभुज त्रिभुजी नहीं बन रहा तो ये अल्फा है इसके सामने वाली भुजा लंब ए वन बी वन ए वन बी वन ठीक है और बटा में बच्चों आपका हो जाएगा ओ बी वन तो यहां पर आपका ओ बी वन अब यहां पर देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए बहुत ही सिंपल है यार वन बी वन बटा आपका हो जाएगा ई बी वन डिवाइड बाय बच्चों ए वन बी वन बटा आपका ओ बी वन अरे भाई इससे कट ही जाएगा ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा ये तो आप नाइन्थ क्लास से सीख रहे हो ओ बी वन बटा ई बी वन ये आपका एम का मान आ गया किसका मान आ गया बच्चों एम का मान आपने आवर्धन कहाँ से लिया प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण और वस्तु द्वारा निर्मित कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं यदि इनका कोण बहुत छोटा हो तो हम बीटा के जगह टैन बीटा और अल्फा के जगह टैन अल्फा लेते हैं फिर बच्चों टैन बीटा बराबर आप लंब बटा आधार ये देखिए इसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं ये आपका आधार है तो लंब बटा आधार टैन अल्फा यहां से तो ले नहीं सकते क्योंकि त्रिभुज बन नहीं रहा है ये दोनों कोण समान है तो हम इस त्रिभुज से ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा को लंब बटा आधार तो ये बटा आधार इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं टेन बीटा टेन अल्फा जो कट गया तो कट गया बाकी ओ बी वन बटा ई बी वन आया यहाँ तक क्लियर बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया क्योंकि आगे चलकर कहानी लंबा चौड़ा हो जाएगा इसलिए बच्चों यहाँ तक आप समझते चलें फिलहाल m बराबर बीटा पन अल्फा फिर टेन बीटा पन टेन अल्फा त्रिभुज आप लोगे बच्चों टेन अल्फा का मान निकालोगे और टेन बीटा का मान निकालोगे और वैल्यू पुट करोगे तो वही चीज आएगा जो अभी मैंने यहाँ पे समझाया था देख लो जरा ओ बी वन बटा ई बी वन ठीक है यहां तक क्लियर डायग्राम से एक बाई स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सब कुछ समझ में आता है सही है कि नहीं आगे चले बच्चों देखिएगा अब मैं यदि आपसे कह दू बी वन क्या है ओ से बी वन ओ बी वन अब वस्तु अनंत पर बना था सॉरी वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना सही है वस्तु अनंत पर था प्रतिबिंब फोकस पर बना इसलिए O से B1 ये प्रतिबिंब की दूरी तो ही है ये लेकिन ये फोकस दूरी है बच्चों और प्रकाश किरण इधर ही चल रही है दूरी भी इधर ही मापेंगे इसलिए प्लस का हो जाएगा इसलिए आपका M का मान आ जाएगा O B1 के जगह आप लिख सकते हैं F इसके लिए O के लिए तो F O और E B1 कितना आएगा E B1 ये जो है बच्चों इसके लिए वस्तु का आकार करता है और वस्तु की दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब यहां से यहां तक की दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन यहाँ पे यू ई रहेगा क्या रहेगा बच्चों यू ई क्योंकि ये आई पी एस नेत्रिका के लिए है लेकिन प्रकाश किरण इधर चल रही है दूरी इधर लेंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा माइनस का यू ई मतलब माइनस एफ जीरो या एफ ओ बटा यू जीरो तो नहीं कह सकते क्योंकि ओ है हमारा के लिए तो एफ हो, हो जाएगा यहां तक क्लियर बच्चों यानी एम का मान हमारे पास आ चुका है माइनस का एफ अपान ये हमारे पास आवर्धन क्षमता आ गया लेकिन कंडीशन दिया रहता है कंडीशन दो रहता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने लेकिन फिलहाल यहां तक, तक तो क्लियर है बच्चों आपको सब समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं बच्चों क्लियर हो गया होगा यहाँ पर ओ बी वन बटा ई बी वन ओ बी वन बराबर एफ ओ और ई बी वन बराबर माइनस यू ई वैल्यू पुट करेंगे यहां तक आ जाएगा आप जो भी समीकरण देना है चलते चले स्क्रीन ला लास्ट में आपको दे दिया जाएगा बिल्कुल चिंता ना करें समय दिया जाएगा लास्ट में आप लोग स्क्रीन ले लेना और यदि इसका नोट्स भी लेना बच्चों तो आप लोग हंड्रेड रुपीज यदि इसका नोट्स आपको लेना बच्चों तो मात्र हंड्रेड रुपीज चार्ज लगता है पे करके आप नोट्स ले सकते हैं चलिए आगे की बात करते हैं पहला कंडीशन ये है पहला कंडीशन ये कहा जाता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो देखिएगा जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो न्यूनतम दूरी पर हो ठीक है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो देखिए लेंस सूत्र से बच्चों, लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या कहता है वन अपान एफ बराबर वन अपान भी माइनस वन अपान यू देखिए अब यहां पर आपको एफ की जगह एफ ई करना है क्यों क्योंकि नेत्रिका के लिए बात कर रहे हैं भाई प्रतिबिंब की बात हो रही है कि जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो और न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब की दूरी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं डी से वो भी माइनस में होगा क्यों क्योंकि प्रतिबिंब इस साइड है प्रकाश किरण इधर चल रही है तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात आ जाए तो वहां पर आपको डी ही लेना है बच्चों और वस्तु की दूरी को हम यहां पर यू को यू से ही दर्शाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे प्रकाश किरण इधर चल रही है ये जो नेत्रिका लेंस है अंतिम प्रतिबिंब भाई तो इसी के प्रतिबिंब को मानेंगे जो आपका नेत्रिका लेंस है इसी का प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब होगा तो ये जो नेत्रिका लेंस है इसका अंतिम प्रतिबिंब ये है बच्चों यहां पर देखिए ठीक है ये जो आपका है अंतिम प्रतिबिंब है इस लेंस का ये अंतिम प्रतिबिंब है लेकिन ये जो आपका ए वन बी वन ये वस्तु का करता है इसकी दूरी को हम यू से दर्शाएंगे वस्तु की दूरी को और प्रतिबिंब की दूरी को डी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की बात आ गई है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी माइनस से क्यों क्योंकि प्रकाश किरण इधर चल रही है और हम दूरी इधर माप रहे हैं इसलिए माइनस से रिप्रेजेंट होता है अंतिम प्रतिबिंब हम नेत्रिका के लिए बात करते हैं इसलिए ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वन अपान एफ ई बराबर आप, आपका आगे बच्चों ये माइनस का वन अपान डी और ये भी माइनस रहेगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यू ई हमेशा ऋणात्मक होगा क्यों क्योंकि भाई साहब प्रकाश किरण इधर चल रही थी दूरी हम उसके विपरीत दिशा में माप रहे हैं अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर हमको समीकरण तीन कितना मिला था समीकरण तीन में कुछ जान आ रहा हो तो ठीक है समीकरण तीन में आपका एफ ओ अपान यू ई मतलब एक बटा यू ई यहाँ पे है तो एक बटा यू ई यहाँ पे आपका आ जाएगा एक बटा यू ई हाँ आ जाएगा एक बटा यू ई बचा दो ये माइनस का इधर आएगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा यही तो होगा माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो वन अपान डी प्लस वन अपान एफ ई यहां तक क्लियर समीकरण तीन में मान रख दो जो भी हमारे पास समीकरण तीन चार जो भी है समीकरण तीन से आपका एम बराबर हो जाएगा कितना है माइनस का एफ ओ ठीक है और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो कितना वन अपान डी प्लस वन अपान एफ ई या कि जब एफ ई आप बाहर लोगे बच्चों एफ ई बाहर लोगे तो एफ ई इधर आ जाएगा जब एफ ई बाहर लोगे केवल यहां पर एक बचेगा प्लस यहाँ पर आपका एफ का गुणा हो, जाए क्यों गुणा हो तो जाएगा क्योंकि गुणा होगा तो ये कट जाएगा ये जब अंदर गुणा होगा तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा ये आपका मान आ चुका है कब आया बच्चों जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो यहाँ पर आप देख लेंगे देखिए हमारा ओ बी ओन बटा ई बी वन आया था इसका एफ ओ मान इसका यू रख दिया ये रखा बच्चों तो माइनस में आ गया अब लेंस सूत्र से हमने कहा वन अपान एफ बराबर वन अपान बी माइनस वन अपान यू एफ के जगह नेत्रिका के लिए तो एफ कर दिया हमने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए डी करना पड़ता है प्रतिबिंब की दूरी को वस्तु की दूरी को ई के लिए हम यानी ने नेत्रिका लेंस के लिए यू करेंगे और प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी ले रहे हैं तो माइनस लेकर चलेंगे अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस का तो वही सेम कंडीशन एक बटा ई का मान निकालना है तो इधर जाकर ये प्लस में हो जाएगा इसकी वैल्यू समीकरण तीन में रख देंगे समीकरण तीन के कहाँ पे बच्चों यहाँ पर देखिए एक बटा यू तो एफ ओ आपका सेम रहेगा एक बट्टा यू ई का मान रख दिए यू एफ ई कामल ले लिए जब एफ ई कामल लेंगे तो जबरदस्ती यहां पर गुणा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अंदर गुणा करेंगे तो कट जाएगा इसको अरेंज करेंगे तो वन प्लस एफ ई अपान डी हो जाएगा और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने इस स्थिति में बच्चों क्या होगा वस्तु कहाँ पर होगा फोकस पर होगा मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब यदि अनंत पर बन रहा है तो वस्तु फोकस पर है और यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर मतलब एक दूसरे के अपोजिट है वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने अनंत पर तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगा तो यू के जगह एफ ही लिख देंगे समीकरण तीन में बस खत्म कहानी ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों ठीक है अब थोड़ा सा इसको मैं साइड करता हूं और इस डायग्राम में आपको थोड़ा ये समझाता हूं कि भाई साहब यदि बोला जाए दूरदर्शी के नली की लंबाई मतलब ओ से ई की लंबाई ओ से ई की लंबाई ओ से ई की लंबाई कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे एक तो आपका ओ से बी वन हो जाएगा और प्लस बच्चों बी वन से ई हो जाएगा यही होगा ना लंबाई की बात करते हैं तो यहां से यहां तक की लंबाई फोकस दूरी एफ ओ प्लस यहां से यहां तक की लंबाई आपका यू ई ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है और लोगों से नहीं बनता है ठीक है लेकिन जब अनंत की बात आ जाती है बच्चों अनंत के लिए तो अनंत के लिए एफ ओ तो एफ ओ रहेगा यू ई के जगह एफ ही हो जाएगा जब अनंत की बात आती है ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं जब अनंत की बात आ जाती है तो यहां पर यू ई के जगह एफ ही हो जाएगा मतलब प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहां पर बने जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आपका एफ ओ प्लस एफ ही हो जाएगा दूरदर्शी के नली की लंबाई फिलहाल आज के लिए इतना ही ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आप लोग स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए बच्चों ये लीजिए स्टार्टिंग यहाँ से करिए आप लोग ठीक है इसके बाद डायग्राम बनाना ही है डायग्राम के बाद आवर्धन क्षमता का आपको क्या करना है सूत्र लिखना है और आवर्धन क्षमता एम बराबर बीटा पन अल्फा नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ नाइन सिक्स एट फाइव टू नाइन नाइन वन फोर नाइन छियानवे पचासी उन्तीस इक्यानबे उनचास डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं बच्चों और नए नोट्स ले सकते हैं वहाँ से भी फिलहाल यहां पर देखिए ये चीजें आगे हम बढ़ाते हैं बच्चों जितने में हमारा कंप्लीट हो जाता है आवर्धन क्षमता ओके फिलहाल आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों जय हिंद वंदे मातरम